हेलो दोस्तों, मैं निर्मल भाई का पैर। तो दोस्तों, सब लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों, मेरे पास है TVS की जुपिटर स्कूटी। तो भाई देखते, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या दिक्कत हो सकती है? तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको गाड़ी। ये है जुपिटर। जैसे कि ये करें चाबी ऑन, गाड़ी सेल्फ ले रही है, मगर अटक हो रहा है हल्का, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो भाई कुछ और मार्ग देख लेते हैं कुछ। तो भाई गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। तो भाई खोलते हैं इसका प्लग प्लुग, करंट करूंट चेक करते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहना मेरे साथ। फटाफट से खोल लेते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों जब भी ये टापा खोलते हैं ना, तो ये चार बोल्ट यहाँ से खोलते हैं, दो यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद बैटरी निकालनी पड़ती है, तब जाके ये बाहर आता है। कभी खोलो इस तरीके से खोल लेना। बैटरी कभी कभी तो ऐसे निकल जाती है, ठीक है। कभी कभी होते हैं ऊपर के बोल्ट खोलने पड़ते हैं। तार बांध रखी है। तो इस कवर को नीचे करा हमने। इस तरीके से निकली बैटरी बाहर, ठीक है ना। तारे वारे सब ऐसी पड़ी हुई हैं, क्या सीन है भाई। है फटाफट से कवर निकाल लेते हैं इसका। गाड़ी होगी यहाँ से लॉक। अब इसका एक प्लग खोल लेते हैं और तारे चेक कर लेते हैं। तारे टूटे भी नहीं है इसमें। ये क्या है, तार यहाँ से स्टिक करके तार भी टूटी पड़ी इसकी। एक और चेक कर लेते हैं, मगर ये ना टेप लगानी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। ये होगा रिक्स वाला काम। अगर शॉर्टिंग होएगी तो पेट्रोल का यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, आग लगने का डर होता है इन चीज़ों का। तो भाई ऐसी चीज़ें हमने छोड़नी नहीं, कर देनी है, ठीक है। यहाँ इस जगह पर टेप लगानी पड़ेगी किसी हालत में। तार बिल्कुल ही फटाफट से प्लग खोले इसका। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हम भाई करंट चेक करना होता है, मेन करंट तक जाएं, ठीक है ना। प्लग की हालत भी ऐसी है और गैप भी ज़्यादा ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं कोई करंट। इस तरीके से लगाया, चाबी ऑन करे भाई। करंट बड़ा हल्का आ रहा भाई, शॉर्टिंग तो नहीं कर रहा है यहाँ से शॉर्टिंग कर रहा है, देख रहे हो। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको।
बिल्कुल बारीक बारीक करंट शॉर्ट कर रहा है यहाँ से। तो भाई इसको सबसे पहले इसको छेड़खानी करते हैं, प्रॉपर करंट आ जाए इसका। एक और ही करंट कहाँ से आएगा यार, तार है कहाँ है? ये ले भाई, तार है कहाँ है? तो भाई कोई तार देखते हैं चेंज करके करूँ। तो तार बिल्कुल ही ना बराबर थी दोस्तों, मैंने पुराना जुगाड़ रखा हुआ है, जैसा कि ये सीधे वाले कितनी सारी पड़ी है मेरे पास और गाड़ी की है। तो भाई ये वाली स्टिक वेल काट के लगा के चेक करते हैं पूरी। तो भाई ये सामान भी बहुत ज़रूरी रखना होता है संभाल के, ठीक है ना, जैसे कि ये वाली स्टिक वेल की तार है, इसको लगा के चेक करते हैं। तो भाई इसकी स्टिक वेल की तार यहाँ से बाहर निकालते हैं। थोड़ा घुमा के हम निकालेंगे। इस तरीके से हमें घुमा घुमा के निकाल लें इसको। भाई थोड़ा टाइम लगेगा इसमें तो। तो भाई ये तो बहुत जाम है, इसको ना वहाँ से खोल के करना पड़ेगा जुगाड़, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो भाई और नुकसान हो जाएगा। इससे बढ़िया इसके अंदर होती है स्टिक वेल। तो भाई ये नट निकल गया, इसकी स्टिक वेल निकाल के बाहर। जाके बाहर ध्यान रखें, ये अर्थिंग की तार है, ये अर्थिंग की तार जरूर लगानी है, ठीक है। ये इस तरीके से
इसमें होते चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ फटाफट से भाई दूसरी तार लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। खींच के देख लें वो तार बिल्कुल जेन्युइन तार ही है पुरानी, मगर काम अच्छा करेगी। अब लगाते हैं इसको। तो दोस्तों जब भी आप टाइट करें ना इस कोयल को आगे पीछे कर लेना, इस वाली कोयल को एसटी कोयल को आगे पीछे ऐसे आगे होगी और पीछे थोड़ी पीछे रखनी है इसको, इस तरीके से इस तरीके से पीछे होगी, ठीक है ना। इस पाइप के साथ में जॉइंट ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पाइप यहाँ पास में है ना, जैसे ये मेरी आंगली है, इसके साथ जॉइंट ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इसको करते हैं फिट टाइट करके, थोड़ी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो भाई यहाँ से ऑफिस कर दिया है, अब एक और फ्रंट चेक कर लें इसका। ये गैस, ये अर्थिंग की तार है, ये भी टूटी हुई है, ये बैटरी के साथ लगती है, ठीक है ना। तो भाई अब एक बार करंट और चेक कर लें। फटाफट लगाते हैं कोई प्लग, फिर देखते हैं गाड़ी क्या कहती है भाई। तो भाई अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहती है। तो आपको सही तरीके से लगाना होगा। तो भैया एक बार करते हैं स्टार्ट उसको। तो भाई ये गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही, देखते हैं किक मार के।
बैटरी डाउन है। तो थोड़ी देर ना 10-15 मिनट इसको स्टार्ट छोड़ूंगा, थोड़ी सी मिक्सर की सेटिंग और कर लेता हूँ। और इसमें थोड़ी स्मेल आ रही है मेरे ख्याल से, ये ओवरफुल हो जाती है ना किक मार मार के, तो थोड़ी चलेगी ना गाड़ी तो सही हो जाएगी ये। चलिए क्या 5-10 मिनट गाड़ी इसको स्टार्ट रखूँगा जिससे गाड़ी गर्म हो जाए, जो ओवर की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। कि पेट्रोल थोड़ा जम जाता है ना जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है ना। जब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती ना तो लोग बाग उसमें किक मार मार के पता क्या करते हैं, ओवरफुल हो जाती है। कभी चौक ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। तो भाई ये भी ज़रूरी है, बंदा अगर फंस जाएगा तो चौक लेगा बंदा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है ना चौक लेके किक मारी जा रहा हूँ नहीं स्टार्ट हो रही, तो आपको ना स्मेल आएगी पेट्रोल की, स्मेल आएगी तो आप सूंघ लेना उसको, सूंघ के जगह पता चल जाएगा आपको या इसमें स्मेल आ रही है, तो तुरंत ना आप चौक डाउन कर लेना, ठीक है ना। कम से कम 10-15 किक मारनी होगी रेस दे के हल्की हल्की, ठीक है ना। अगर रेस देने से भी नहीं हो रही तो हल्के से रेस बढ़ा दो, तो फिर किक मारो 5-6 किक 10 किक मारोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो भाई इसमें तो एसटी कोयल की जो तार है उसका फॉल्ट निकला है, करंट आ नहीं रहा था, आ रहा था कम आ रहा था बिल्कुल, ठीक है ना। तो तार का जो टुकड़े होते हैं ना टूट जाने की वजह से करंट शॉर्ट हो रहा था इसके अंदर से, तभी इसके अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अब भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आ गया दुकान दिखा, हमारे को मौसम हो रहा है गर्म सर्द का। तो दोस्तों जैसा भी आपके सामने है लाइक सब्सक्राइब करते रहना, कोई भी दिक्कत है दोस्तों मुझे फ़ोन कर सकते हो। जब भी दोस्तों मेरी वीडियो आती है लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। आप लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ और देता हूँ और दोस्तों गाड़ी आपके सामने है, कैसे कैसे मैंने मेहनत करी है और आपके सामने मैंने स्टार्ट कर दिया इस गाड़ी को। मैं जो वीडियो बनाता हूँ रियल में मतलब बनाता हूँ, ये नहीं कि फॉल्ट पहले ढूंढ लिया ये कर लिया, तो सारी कहानी हर वीडियो के अंदर ही ना सब कुछ आपको नज़र आ जाता है। अगर बंदा मेहनत करके फॉल्ट को ढूंढ रहा है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही आपका, ठीक है ना। ये पसीने ऐसे नहीं आते, ये मेहनत करने पर आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कभी भी ऐसा फॉल्ट हो तो भाई इस तरीके से काम कर लेना, करना तुरंत नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है हर फॉल्ट को, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहाँ तक थी, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।